Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing linear differential equations with constant coefficient of order n, ठीक है, more than one or one भी हो, ठीक है. So there is no restriction on the degree of differential equation in this case. So we have already discussed कि complementary function क्या होता है. We have taken, let's say this is a differential equation, fd is a operator which is being operated on y and giving a function which is a function of x, of course. एक्स का ही फंक्शन क्यों होगा, बिकॉज वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स ओनली. यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्स ही है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है. दैट्स व्हाई दिस इज पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अच्छा, दिस आल्सो वी नो कि जब जी एक्स जीरो हो जाएगा देन जो एफ डी वाई होगा ये जीरो होगा. दिस इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है. इसको वी शुड नॉट गेट कन्फ्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस होमोजीनियस इक्वेशन जो हमने पहले डिस्कस की थी, dy और dx विच इज सम फंक्शन ऑफ y बाई x. दैट्स ए डिफरेंट थिंग, ठीक है. ये जस्ट नोमेनक्लेचर है कि व्हेन दिस पार्ट राइट हैंड साइड इज जीरो वी से दैट दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इनफैक्ट. तो इसमें क्या है कि जब ये जीरो हो जाएगा तो वी नो कि इसका जो सोल्यूशन होता था उसको वी से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस, जो ये इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स, फॉर दिस सोल्यूशन ऑफ दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. और इसमें अगर देखो एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स, सो एफ डी अगर ऑपरेटर है तो वन बाई एफ डी इसका इनवर्स ऑपरेटर होगा. वो ऐसा है क्योंकि एफ डी को अगर वन बाई एफ डी को एफ डी पे अगर अप्लाई करेंगे, वन बाई एफ डी को अगर एफ डी पे अप्लाई करेंगे तो दिस इज नथिंग, और मान लो ये वाई पे ऑपरेट हो रहा है, सो दिस इज नथिंग बट वाई ओनली. सो दे आर इनवर्स टू ईच अदर, सो दिस वन बाई एफ डी इज इनवर्स ऑपरेटर. सो जैसे डी वाई जो है इसका अगर डी का इनवर्स ऑपरेटर की बात करें तो वन बाई डी होगा. वन बाई डी वाई इज नथिंग बट बाई डिफ्रेंशिएशन का जो इनवर्स है वो क्या है, इंटीग्रेशन है. सो वाई डी एक्स, सो दिस इज द थिंग. जैसे अब वन बाई डी स्क्वायर कोई पूछे हमें तो वो क्या होगा, एंड वी आर ऑपरेटिंग ऑन वाई, सो वन बाई डी इंटू वन बाई डी वाई, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, फिर वन बाई डी, सो एक और इंटीग्रेशन, सो डबल इंटीग्रेशन हो गया. सो एंड सो ऑन, वी कैन जनरलाइज दीज थिंग्स, ठीक है. सो ओके या सो अभी इस केस में व्हाट विल सी, वी सी पर्टिकुलर इंटीगल क्या होते हैं. पर्टिकुलर इंटीगल वॉन्ट इन्वॉल्व आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. एज आई ऑलरेडी मैंशन, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज ए पर्टिकुलर इंटीगल. दिस विल बी बिरिफ्ट ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में होगा. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस दिस पर्टिकुलर इंटीगल विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ विल सी द पर्टिकुलर इंटीगल. तो जैसे मान लो एफ डी जो है वाई पे अप्लाई हो रहा है और हमें एक फंक्शन जी एक्स दे रहा है, तो अगर इस पर वन बाई एफ डी जो ऑपरेटर है इनवर्स ऑपरेटर वो अप्लाई किया जाए दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली वाई एंड दिस विल बी वन बाई एफ डी एंड जी एक्स. तो ये जो वाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे, दिस इज नोन एज पर्टिकुलर इंटीगल. एंड माइंड इट, दिस वॉन्ट हैव एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व इन इट. ओके, सो जैसे मान लो अगर मान लो हमें ये देखना है कि डी माइनस एल्फा वाई इक्वल्स टू जी एक्स गिवन है. ओके, सो इसका पर्टिकुलर इंटीगल हमें देखना है, तो क्या करेंगे इसमें, वही है पर्टिकुलर इंटीगल. क्या हो, इंटीगल मीन्स जो ये एफ डी वाला पार्ट यहाँ पे है, सो इसको इधर ले जाएंगे एफ डी वन बाई एफ डी जी एक्स, दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीगल. ओके, वी जनरली डिनोट दिस बाई वाई पी, पी मीन्स पर्टिकुलर इंटीगल. अब देखो ये हमें चाहिए, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीगल. सो अगर डी माइनस एल्फा दोनों तरफ अप्लाई करें, बेसिकली एक ही बात है, यहाँ से इधर चले जाओ वापस, तो वाई पी इक्वल्स टू जी एक्स ये हो जाएगा, या सिंपल वाई रख दो और इसको सोल्व कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एल्फा वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, जी विच इज फंक्शन ऑफ एक्स. दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. सो दिस कैन बी सोल्व. इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होता है, ई पावर, जो वाई का कोएफिशिएंट होता है वो फंक्शन एंड डी एक्स, तो दिस इज ई पावर माइनस एल्फा एक्स. तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू जी एक्स, जो है यहाँ पर फंक्शन वैसे ही रहेगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो यहाँ से वी कैन से दैट वाई इक्वल्स टू
e की पावर अल्फा एक्स, इसको इस साइड ले जा सकते हैं। अच्छा इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वी वॉन्ट एड बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इवेल्यूट पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का सेंस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इवन इफ वी एड दैट तो जब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसमें एड हो जाएगा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का कॉन्स्टेंट वाला पार्ट। ओके सो एक चीज और है, पर्टिकुलर इंटीग्रल मे नॉट बी यूनिक, मे नॉट बी यूनिक, ठीक है। ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि जैसे टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना मेथोक्रेट, उस पर भी बहुत बार लोगों ने पूछा हुआ है स्टूडेंट्स कि पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफरेंट आ रहा है, एक मेथड से आ रहा है दूसरे मेथड से आ रहा है, आ सकता है, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज नॉट यूनिक, ठीक है। बट एक चीज़ है कि जो जनरल सोल्यूशन होगा वो तो सेम ही आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका सम जनरल सोल्यूशन होगा। तो जैसे मान लो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा आ गया e की पावर 2x, ठीक है, प्लस ई एक्स एक्स मेथड से आ गया, और हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मान लो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x है, तो ये हो गया, ठीक है। और एक दूसरे मेथड से मान लो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आ रहा है हमारे पास सिर्फ e की पावर 2x आ रहा है, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरे से सिर्फ e की पावर 2x पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है, और जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो तो सेम ही है, e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स ले लेते हैं, चलो इसको माइनस एक्स प्लस ये। तो ये देखो यहाँ पे क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है और यहाँ पे ये है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज नॉट यूनिक बट दोनों ही सेम है, दोनों ही सही है, बोथ आर द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो e की पावर x है ये इसके साथ क्लब हो जाएगा c1, भाई इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, c1 प्लस 1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस e की पावर 2x। अभी c1 प्लस 1 को एक नया कांस्टेंट बोल दो, इसको c3 बोल दो, c3 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x प्लस e की पावर 2x, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, और ये दोनों तो सेम चीज़ है, c1 c2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे c3 c2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं, दो आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे भी, सो दीज बोथ आर इक्विवेलेंट, दे आर सेम, ठीक है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल यूनिक नहीं होता, कुछ भी हो सकता है मीन्स, पर वो इस टाइप से आएगा कि जो भी यूनिकनेस जिसकी वजह से यूनिकनेस डिफरेंट हो रही है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में सब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे e की पावर x एक्स्ट्रा था तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऑलरेडी टेकन केयर हो चुका है, दैट्स वाई यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे। ओके आई होप क्लियर है। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो यूनिक नहीं होता इन जनरल, ठीक है। सो बस ये है, अब देखो हाँ ये देख रहे थे हम, तो यहाँ से देखो हमारे पास ये आ गया y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जी एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके सो व्हाट वी कैन से कि ये जो हमारे पास d माइनस अल्फा और जी एक्स पे अप्लाई किया था दिस वाज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जी एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था, और यहाँ सॉल्यूशन की वजह से एक यहाँ पे अल्फा एक्स होगा, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमेशा, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये होगा। सो मतलब स्टेप्स की बात करें तो क्या करेंगे हम, पहले जो एफ डी वाई इक्वल्स टू जी एक्स इस टाइप का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसमें पहली चीज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/FD, दिस विल बी अप्लाइड ऑन जी एक्स, ठीक है, इनवर्स ऑपरेटर 1/FD, सो ये जो भी आएगा दिस विल बी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसमें क्या करेंगे हम एफ डी को पहले फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे मान लो डी माइनस एल्फा 1, डी माइनस एल्फा 2 एंड सो ऑन, डी माइनस एल्फा n, ये हो गया। तो दूसरी स्टेप में क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया डी माइनस एल्फा 1, डी माइनस एल्फा 2 एंड सो ऑन, डी माइनस एल्फा n, और यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा फिर इसको पहले विल सोल्व, तो दिस वी नो दैट डी माइनस एल्फा 1 डी माइनस एल्फा 2 को वी कैन दे आर कम्यूटेटिव, सो वी कैन रिप्लेस पोजिशन ऑफ दिस विद ईच अदर, तो ये ऐसा कैसा लिख दो डी माइनस एल्फा 1 एंड सो ऑन, और यहाँ से मान लो डी माइनस एल्फा एन माइनस 1, और इसको वी कैन राइट ई की पावर एल्फा एन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एल्फा एन एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये कुछ फंक्शन आएगा अगेन, फिर ये अप्लाई करेंगे सेम फॉर्मूला से इस पे एंड सो ऑन, वी कैन गेट द डिजायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो दिस विल बी द वे। और एक अल्टरनेट भी है इसका, और इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे ये जो हमारे पास जैसे कि 1/(x-1) x-2 या d-1 d-2, यही तो चीज़ है, तो इसको हम
फैक्टराइज भी तो कर सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, वी कैन स्प्लिट इट नॉट फैक्टराइज, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 / d - 2 - 1 / d - 1, ऐसे कर सकते हैं, सेम चीज़ है, d - 1 - d + 2, सो सेम चीज़ होगी, ये अप्लाई हो रही है यहाँ, जो भी फंक्शन होगा जी एक्स, तो ये जी एक्स पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, इनवर्स ऑपरेटर भी, इनवर्स डिफरेंशियल ऑपरेटर एज वेल एज डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों फॉलो करेंगे बस। अब इसको इसको वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ए की पावर 2x ई पावर -2x सी एक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस, यहाँ पे क्या है ई, एल्फा की जगह 1 है, सो 1x एंड ई की पावर -x जी एक्स डी एक्स, सो दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका का था कि पहले इसको अप्लाई करते जैसे यहाँ पे किया, और जो भी फंक्शन आता फिर उस पे ये 1 - 1 / d - 1 अप्लाई कर देते। ओके, सो दिस इज एज सिंपल एज दिस, तो ये स्टेप्स रहेगी, उस ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया हमारे पास। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, इफ़ यू डाउट यू मे रेफर दैट, सो दैट विल द आंसर। ठीक है, सो ये तो हमने एक जनरल फॉर्मूला जो कि सभी प्रॉब्लम्स में ये यूज होगा, दिस इज यूनिवर्सल इनफैक्ट, ये कहीं फेल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। या अब कुछ स्पेशल केस भी होंगे कि जैसे मान लो स्पेशल केस इन द सेंस कि जो जी एक्स हमारा फंक्शन है राइट हैंड साइड में, वो ई की पावर एल्फा ए एक्स हो गया, एल्फा एक्स हो गया, साइन मान लो एल्फा एक्स हो गया, या कोस बीटा एक्स हो गया, इस टाइप के कुछ फंक्शन, या एक्स टाइम्स सम फंक्शन हो गया लेट से वी, या वी टाइम्स ई की पावर एल्फा एक्स, इस टाइप का कुछ फंक्शन हो गया, तो इन सब के लिए स्पेशल केसेस के थ्रू वी कैन डिराइव फॉर्मूलाज, तो डायरेक्ट उन फॉर्मूलाज के यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, बट पहले लेट्स स्टडी थी जनरल फॉर्मूला, क्योंकि कुछ फंक्शंस होंगे जैसे कि टेंजेंट एक्स हो गया, टेंजेंट एल्फा एक्स हो गया, या कोट एल्फा एक्स हो गया, जब टेंजेंट आ गया तो कोट तो आएगा ही, बिकॉज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दे आर क्लोजली लिंक, जैसे सेक एल्फा एक्स हो गया, या कोसेक एल्फा एक्स हो गया, या सेक स्क्वायर एल्फा एक्स हो गया, ये जितने भी फंक्शन है इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, मीन्स इस टाइप के शॉर्ट मेथड नहीं होंगे, मीन्स स्पेशल फॉर्म नहीं होगी, सो इसके लिए विल रिसोर्ट टू दिस मेथड जो कि हमने डिस्कस किया, जो ओरिजिनल मेथड है जो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सॉर्ट, लेट्स टेक दिस, मान लो क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 4y = sec 2x, मान लो ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसको मैं इसके जनरल सॉल्यूशन बताने, जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो ये आगे हम पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट बहुत फेवरेट है यूपीएससी का ये वाला पार्ट, विल डिस्कस इट इन द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, तब देखेंगे, तो ये क्वेश्चन उससे भी हो जाता है, इनफैक्ट उससे आसान से हो जाएगा, बट फॉर टाइम बींग अभी तो वो मेथड हमने लर्न नहीं किया। ठीक है, सो विल ट्राई टू सोल्व दिस बाय द मेथड वी हैव लर्न। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस पार्ट का जनरल सॉल्यूशन, मींस ये जो राइट हैंड साइड है उसको हम जीरो कर देंगे। सो अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी है उसको एम से रिप्लेस कर देंगे, एम स्क्वायर प्लस 4 = 0, सो यहाँ से हमारे पास आ गया एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी, ये क्या होगा c1 e की पावर, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा से अगर 2i को कंपेयर करेंगे तो अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 2। ठीक है, तो c1 e की पावर अल्फा एक्स, ये c1 को हटा दो, e की पावर ये हो गया 0x एंड c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ठीक है, ये हो गया, और वी कैन सिंपली से कि दिस इज c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। अब देखेंगे पर्टिकुलर इंटीगर क्या होगा, 1/fd इनटू जो भी राइट हैंड साइड में फंक्शन है, सो दिस विल बी 1/fd दैट इज d² + 4, और फंक्शन हमारे पास sec 2x है।
सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल. जनरली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रियलाइज करना विल बी वेरी इजी, बस पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी इजी है, थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकती है. तो इसमें दो तरीके हैं जो हमने डिस्कस किया. एक तरीका तो है कि देखो इसको फैक्टराइज करो, वो तो सभी में करना पड़ेगा. डी प्लस टू आयोटा और डी माइनस टू आयोटा, वी कैन राइट सेक टू एक्स. अब एक तरीका है कि पहले इसको सोल्व कर लिया जाए, फिर जो भी फंक्शन आएगा उस पर यह इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई जाए. या दूसरा तरीका है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा जाए. डी माइनस टू आयोटा माइनस वन डिवाइड बाई डी प्लस टू आयोटा, ये करेंगे तो क्या आएगा, डी प्लस टू आयोटा माइनस डी प्लस टू आयोटा, दैट इज इसको वन डिवाइड बाई फोर आयोटा से डिवाइड करना पड़ेगा. सो फोर आयोटा, यस, और ये हो गया सेक टू एक्स. हो गया वन डिवाइड बाई फोर आयोटा. ओके, अब इसको सोल्व करना है. इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है इनवर्स ऑपरेटर. डी माइनस टू आई सेक टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई डी प्लस टू आई सेक टू एक्स, तो ये हो गया वन डिवाइड बाई फोर आई. अब देखो एल्फा की जगह यहाँ टू आई है, तो क्या आएगा, ई की पावर एल्फा एक्स दैट इज टू आई एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टू आई एक्स एंड सेक टू एक्स टी एक्स, ठीक है. माइनस इसमें बस एल्फा की जगह माइनस हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ आयोटा वहाँ माइनस आयोटा कर दो, दैट्स द ओनली डिफरेंस. ई पावर टू आयोटा एक्स सेक टू एक्स डी एक्स, बस ये इंटीग्रेशन करना है बस, एंड वी आर डन. तो ये क्या है, वन डिवाइड बाई फोर आयोटा ई पावर टू आयोटा एक्स. और देखो ई पावर टू आयोटा एक्स को बाय आयलर थ्योरम माइनस बाय आयलर थ्योरम वी कैन से दिस इज कोस टू एक्स माइनस आयोटा साइन टू एक्स, ठीक है. सो और इसको जब सेक टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक टू एक्स दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय सेक टू एक्स, तो क्या आएगा, कोस एंड सेक को मल्टीप्लाई होते हैं तो वन हो गया, वन माइनस आयोटा साइन डिवाइड बाई कोस टू एक्स दैट इज टेन टू एक्स. ये हो गया डी एक्स, ठीक है. माइनस ई की पावर माइनस टू आयोटा एक्स, यहाँ पे सिर्फ आयोटा ही जगह माइनस आयोटा करना है. सो दिस इज वन प्लस आयोटा टेन टू एक्स डी एक्स. ओके, आई होप ये क्लियर है. अब इंटीग्रेशन वन डिवाइड बाई फोर आयोटा ई पावर टू आयोटा एक्स एंड दिस इज एक्स डी एक्स का, तो एक्स ही हो गया इंटीग्रेशन, माइनस आयोटा टेन टू एक्स का क्या होता है, लॉगरिथम माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग कोस एक्स होता है, तो प्लस हो गया कोस टू एक्स, और टू एक्स का टू डिवाइड भी करेगा. ओके, सो दिस इज द वे, माइनस ई की पावर माइनस टू आयोटा एक्स, बस आयोटा की जगह माइनस आयोटा करना है और कुछ नहीं, लॉग कोस टू एक्स. ओके, और आर्बिट्री कांस्टेंट लेना नहीं है बिकॉज दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो वन डिवाइड बाय फोर आयोटा. ओके, अब इसमें देखो एक्स एक्स वाले पार्ट एक्स वाले ले जाएं, तो ये एक्स है और ये एक्स है, तो देखो ई ये अंदर क्या रहेगा, ई की पावर टू आयोटा एक्स माइनस, चलो लिख दिया जाए, ई की पावर टू आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू आयोटा एक्स. प्लस आयोटा बाई टू लॉग कोस टू एक्स, इसको भी कॉमन ले लिया जाए, तो अंदर क्या होगा, ये पूरी चीज़ कॉमन आ गई, यहाँ पे भी ये प्लस आयोटा बाई लॉग कोस टू एक्स है, तो अंदर रहेगा ई की पावर टू आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू आयोटा एक्स, ठीक है. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, वन डिवाइड बाई फोर आयोटा और x ये क्या है, दिस इज टू बाई कोस टू एक्स प्लस आयोटा साइन टू एक्स एंड कोस टू एक्स माइनस है, तो टू आयोटा साइन टू एक्स हो गया ये, ठीक है. प्लस आयोटा बाई टू लॉग
कॉस टू एक्स, और ये हो गया टू कॉस टू एक्स। बस अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया जाए, देखो आयोटा यहाँ पे भी है और आयोटा यहाँ पे भी है और डिवाइड भी हो रहा है, तो आयोटा तो थ्रू आउट हो गया कैंसिल, और यहाँ पे एक टू है, यहाँ पे भी एक टू है, सो दिस टू एंड दिस टू विल कैंसिल ईच अदर, दिस आयोटा विल कैंसिल दिस, सो हमारे पास रह गया ये वन बाई फोर थ्रू आउट बार है, सो वन बाई फोर एक्स साइन टू एक्स, यहाँ पे टू है प्लस लॉग कॉस टू एक्स, एंड कॉस टू एक्स से मल्टीप्लाइड भी है। ओके सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन टू। सो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सो जनरल सॉल्यूशन इज पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, बेसिकली सम ऑफ इक्वेशन वन एंड टू, दिस विल बी द आंसर। दिस प्लस जो हमारे पास आया सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स, ठीक। अब देखो इसमें साइन टू एक्स का टर्म यहाँ आ रहा है, पर इसका जो कोफिशेंट है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, दैट्स वाई वी कैन नॉट कलर विद विद द कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो दिस इज डिस्टिंक्ट थिंग, सो दिस इज द वे। ओके सो लेट्स इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, प्रैक्टिस प्रॉब्लम डी स्क्वायर प्लस फोर वाई, ये सेक टू एक्स था, सो यू ट्राई कोसेक टू एक्स, ठीक है, सिमिलर लाइंस पे होगा। ओके और ये कर लो, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई किया जाए, एक क्वेश्चन चलो और प्रैक्टिस में कर लो, डी स्क्वायर प्लस नाइन वाई इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थ्री एक्स, ये भी सिमिलर लाइंस पे किया जा सकता है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, डी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर फोर एक्स। ओके सो देखो इसमें पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखेंगे, तो वो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन वाई इक्वल्स टू जीरो, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस सिक्सटीन इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन से दैट एम इक्वल्स टू प्लस माइनस फोर आयोटा, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि एल्फा जीरो है इसमें और बीटा फोर है, सो ये सिंपली सी वन कोस फोर एक्स प्लस सी टू साइन फोर एक्स, दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो पर्टिकुलर इंटीगल क्या होगा, वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन और क्या है सेक स्क्वायर फोर एक्स, सेक स्क्वायर फोर एक्स, तो वही तरीका यूज करेंगे इसमें, वन डिवाइड बाई इसको फैक्टराइज करेंगे तो फोर आयोटा एंड डी माइनस फोर आयोटा, ये है सेक स्क्वायर फोर एक्स, ठीक है। सो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड इज बेटर, क्योंकि अगर कंटिन्यूशन में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, तो इसको वी कैन राइट वन डिवाइड बाई डी माइनस फोर आयोटा माइनस डी प्लस फोर आयोटा, ठीक है, एंड वन डिवाइड बाई एट आयोटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर फोर एक्स। ओके तो अब वही डिप्टो अप्रोच रहेगी, वन डिवाइड बाई एट आई, और ये चीज इस पे अप्लाई होगी तो ई पावर फोर आयोटा एक्स, इंटीग्रेशन ई पावर माइनस फोर आयोटा एक्स सेक स्क्वायर फोर एक्स डी एक्स माइनस ई पावर, बस आयोटा की जगह माइनस आयोटा हो जाएगा, ई पावर फोर आयोटा एक्स सेक स्क्वायर फोर एक्स डी एक्स। ओके नाउ वन डिवाइड बाई एट आई ई पावर फोर आई एक्स, ओके, और इसमें वही सिमिलर अप्रोच, सिमिलर अप्रोच वी कैन यूज,
ये क्या कोस फोर एक्स, कोस फोर एक्स माइनस आयोटा साइन फोर फोर एक्स, इस पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर फोर एक्स। तो ये क्या होगा, दिस विल बी सेक फोर एक्स स्क्वायर में माइनस आयोटा, और दिस विल बी टेन फोर एक्स एंड सेक फोर एक्स। सो यहाँ पे वी कैन राइट सेक फोर एक्स माइनस आयोटा टेन फोर एक्स और सेक फोर एक्स और डीएक्स, ठीक है, और माइनस माइनस फोर आयोटा एक्स, आयोटा की जगह सिर्फ माइनस आयोटा करना है, तो सेक फोर एक्स प्लस आयोटा टेन फोर एक्स सेक फोर एक्स डी एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी वन डिवाइड बाई एट आई ई पावर फोर आयोटा एक्स, ओके। और सेक फोर एक्स को जो है इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा सेक का, या दिस इंटीग्रेशन इज लॉग सेक फोर एक्स प्लस टेन फोर एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई वन बाई फोर फोर एक्स का कोएफिशिएंट। भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा डी थीटा। तो फॉर दिस व्हाट वी डू दैट सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दें अगर, सो डिवाइड भी कर दें सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, ठीक है। अब अगर इसको टी एज्यूम कर लिया जाए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को अगर टी एज्यूम करा जाए तो, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा का तो और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज डी टी और डी थीटा। तो यहाँ से वी कैन से दैट सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। सो ये हो गया हमारे पास माइनस में, ओके। सो माइनस डी टी ओ टी, सो दिस इज माइनस लॉग टी, टी क्या था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और माइनस को अंदर ले जाएंगे तो लॉग वन डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये वाला पार्ट तो वन हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसका जो इंटीग्रेशन है वो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही होगा, ठीक है। सो आई समझ में आता है, सो ये तो बेसिक इंटीग्रेशन था, इनफैक्ट इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हाफ एंगल में भी ले जाया जा सकता है, राइट। ओके, जिससे हमारे पास आ गया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसको वी कैन राइट लॉग वन प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और फर्दर इसको वी कैन राइट वन प्लस कोस पाई बाई टू माइनस थीटा डिवाइड बाई साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, इसका लॉग है। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज लॉग, दिस विल बी टू कोस स्क्वायर, सो दिस विल बी कोस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ठीक है, और यहाँ सिर्फ साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, सो दिस विल बी लॉग या माइनस बार ले लो टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू ऐसा लिख सकते हैं इसको, या माइनस नहीं लेना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा लॉग वन डिवाइड बाई कोट, ये कोट हो जाएगा सिंपली कोट पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ठीक है, अगर माइनस नहीं है तो इसको फर्दर वी कैन राइट लॉगरिथम ऑफ टेंजेंट पाई बाई टू माइनस दिस, सो दिस इज पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, तो ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह डायरेक्ट, ठीक है। सो ये तो चलो अलग ही लाइन हो गई, वी यूज दिस ओनली, ठीक है। माइनस इसका सेक थीटा टेन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टेन थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा, सो दिस विल बी से आयोटा, तो ऐसे रहेगा सेक फोर एक्स एंड फोर एक्स का कोएफिशिएंट फोर है तो डिवाइड बाई फोर भी होगा, माइनस ई की पावर माइनस फोर आयोटा एक्स, जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ पे माइनस आयोटा कर देना है बस, लो
sec 4x plus tan 4x plus iota by 4 sec 4x. Okay. ओके सो ये वाला जो पार्ट है इसको तो इधर हटाओ. अब देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है. वन डिवाइड बाई एट आई ई की पावर ऐसा करते हैं लॉगरिथम वाले टर्म के को कांस्टेंट ले लेते हैं पहले कोफिशिएंट. सो लॉग सेक 4x प्लस टेंजेंट 4x 1/4 ये दोनों में कॉमन है और इसके कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे e की पावर 4 आयोटा x यहाँ पे माइनस e की पावर माइनस 4 आयोटा x दैट कैन बी रिटन एज 2 आयोटा साइन 4x. ठीक है ओके okay. अब फिर ये कॉमन ले सकते हैं कोएफिशिएंट यहाँ पे आयोटा बाई 4 माइनस आयोटा बाई 4 सेक 4x ये लिया जाए तो इसका कोएफिशिएंट क्या है e की पावर 4 आयोटा x और इसका माइनस अच्छा यहाँ पे भी माइनस साइन है तो माइनस ये तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों दैट इज 2 cos 4x. ओके सो बस यही है तो यहाँ से देखो आयोटा से आयोटा होगा कैंसिल एक आयोटा यहाँ पे है यहाँ से आयोटा कॉमन होके ये इस आयोटा से हो गया कैंसिल तो हमारे पास आ गया 1/8 एंड 1/4 और लॉग सेक 4x प्लस टेन 4x इसको हाफ एंगल में भी लिख सकते थे. अच्छा यहाँ पे एक 2 भी है सो तो 2 एंड साइन 4x भी है यहाँ मल्टीप्लाइड में माइनस 1/4 यहाँ पे भी 2 है सो 1/2 sec 4x एंड cos 4x सो दिस विल बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री प्लस दिस पर्टिकुलर दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है इसमें बस ये जो टर्म्स है c1 e cos 4x प्लस c2 sin 4x ऐड करना दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन. ओके सो इसमें यू मे प्रैक्टिस डी स्क्वायर प्लस 25 वाई इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर 5x ये कर सकते हो आप ट्राई ये भी कर सकते हो डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल्स टू कोट एक्स. ओके और सिमिलर लाइंस में यू मे ट्राई दिस एज वेल डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल्स टू साइन एक्स. ठीक है सो आई होप समझ में आता है.